अब उसके बाद राइट नाउ जो मैक्सिमम बातें होती है दैट इज रिलेटेड टू, मैं यहाँ पे स्पेशली मेंशन कर देता हूँ ताकि फोकस रहे पूरी तरह, दैट इज जीके। देखो यार, मैंने पहले भी सेशन में बोला है कि जीके में मैक्सिमम बच्चों का, मैं क्या बोलूं, बेड़ा मतलब गर्क है, मतलब काम खराब हुआ पड़ा है, क्योंकि जीके मैक्सिमम बच्चों की स्ट्रांग नहीं है। आप यहां पर बहुत ज्यादा जीके को हाइप करके अपनी तैयारी को खराब मत करो। आप सिंपल सा एक काम करो, जीके किसी के कंट्रोल में पहली बात है नहीं, सिंपल बात है, राइट। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब टाइप का बच्चा होता है तो वो समझ में आता है, वो एक एक साल पूरा जीके पढ़ता है, लेकिन सीमेंट वाला बच्चा डेढ़ दो महीने जीके पढ़ता है, तो वहां पर इतना एक्सपर्ट वो जीके में हो नहीं सकता। अब लास्ट मोमेंट पे आप कर ये सकते हो कि अगर आपको कुछ मिक्स एमसीक्यूज के सेशन दिख रहा है, आपने वो अटेंड कर लिए, वन लाइनर पढ़ लिया, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जीके छोड़ देनी है, आपको जीके पढ़नी है, और पढ़ करके फिर थोड़ा सा भगवान भरोसे डाल दो कि यार लेकिन पढ़ना जरूर है, राइट ना, क्योंकि सुना ना जो मेहनत करता है भगवान उसी का साथ देता, काइंड ऑफ वो वाली चीज, ठीक है। तो आपको ज्यादा नहीं, आप वन आवर अपना जीके को जरूर दो, जिसमें आप रैंडम एमसीक्यूज करो, वन लाइनर पढ़ो, कहीं पर अगर आपको दिख रहा है कि यार यू नो 1000-1200 उन्होंने एमसीक्यू करा दिए हैं, यू नो, या फिर आपको कहीं पे वन लाइनर मिल रहा है, बस उसको मिक्स प्रैक्टिस में करते रहो। ट्रस्ट मी, आप लास्ट के डेज में डेली एक एक घंटे में जितने एमसीक्यूज करोगे ना, मैक्सिमम चांस है कुछ ना कुछ एग्जाम में वहां पे जाके फंस जाएगा। तो आपने एक घंटा जीके को देना है, आई होप ये समझ आएगा। तो क्वांट्स पे हमने बात कर ली, जीके पे हमने बात कर ली। अब आप एक चीज को समझ लो, अगर मैं जीके को हटा दूं तो बाकी चारों चीजें हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। देखो, आप इकलौते जीके में खराब नहीं हो, मैक्सिमम बच्चे खराब होते हैं, तो हमारे कंट्रोल में क्या है, दैट इज क्वांट्स, रीजनिंग, वीएआरसी और इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप, ये आपके कंट्रोल में, जहां आप स्कोर खींच सकते हो, राइट। तो जीके को बिल्कुल छोड़ो मत, जीके को एक एक घंटा पढ़ो, और इन चारों चीजों में ये देखो आराम से, जो मैंने कहा था एक डेढ़ घंटा बैठ करके ये नोट डाउन करो कि यार क्वांट्स का कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है जो अभी मेरा रहता है, स्टिल मेरा रहता है अभी भी करना, राइट। तो उसको कवर करो, रीजनिंग का कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है जो स्टिल मुझे कवर करना रहता है, उससे रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक वगैरह मुझे नहीं पता, तो उसको नोट डाउन करो। शॉर्ट में बोलूं तो अपने तीन तरह के नोट्स बना लो, तीन कॉलम बना लो। पहला कि यार ये चैप्टर तो मेरा परफेक्ट है, इसके क्वेश्चन मैं 90% चांस से कर दूंगा, तो उसको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सेक्शनल टेस्ट वगैरह में दिखेगा तो कर लेना। दूसरा, जो आपने पढ़ा है लेकिन उसके मतलब कॉन्फिडेंट नहीं, उसका क्वेश्चन 50% चांस है कि आपका करेक्ट होगा, राइट, जैसे कि ज्योमेट्री हो गया, या फिर हमारे रीजनिंग में भी और असेंशियल वगैरह जैसे टॉपिक हो सकते हैं, तो उनको आप, मैं ये कहूंगा कि करीब करीब वन एक बार एक ही बारी में बैठ के अगर आपको ज्योमेट्री में दिक्कत है, प्रॉपर्टीज वगैरह समअप करो और जा करके करीब करीब 50-60 क्वेश्चन निपटा दो। अगर आपको फिलिंदा ब्लैंक्स में दिक्कत आ रही है, फॉर एग्जांपल वीआरसी में, जैसे लास्ट टाइम एक बच्चे से बात हुई थी, वाज लाइक कि सर मेरे फिलिंदा ब्लैंक गलत होते हैं, मतलब डिपेंड करता है, कभी ठीक भी हो जाता है, कभी सारे गलत भी हो जाते हैं, तो एक बार तसल्ली से बैठ करके 70-80 फिलिंदा ब्लैंक्स कर लो उठा करके। और ये ध्यान रखना, जब आप उसका करेक्ट, स्पेशली वीआरसी में अगर आपका वो करेक्ट हो रहा है, बट स्टिल आप बुक के पीछे उसका रीजन पढ़ो कि क्या रीजन है उसके करेक्ट होने का, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक अगर आपको लगता है कि यार ये मेरा सही नहीं चल रहा है, तो उस पर एक घंटा बिता दो, राइट है। और तीसरा आ जाता है जो टॉपिक आपको बिल्कुल नहीं आता, राइट, लेकिन स्टिल ये चार में क्योंकि आप रिस्क नहीं ले सकते, तो उसको बैठ करके आराम से आप पढ़ो पूरा, ठीक है। और इस तरीके से अपने आने वाले दिनों को यूटिलाइज करो। इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू ट्राई करो राइट नाउ, ठीक है, और अगर कोई थ्योरेटिकल पार्ट रहता है तो उसको थ्योरेटिकली कवर करो। अब उसके बाद नेक्स्ट मुद्दा आता है, दैट इज, आई होप क्लियर होगी बातें यहां तक, राइट, क्वांट्स का, क्योंकि मैं टीचर हूं तो मैंने क्वांट्स तो बता दिया, मैं कैसे मेरी वीडियोस हेल्प करेंगे, 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को आग बंद करके फॉलो कर लो, काम बन जाएगा। बाकी में मैंने आपको बताया था जीके पे ज्यादा उम्मीद मत करो, लेकिन एक घंटा डेली का एमसीक्यूज वगैरह करो। बाकी चारों जो चैप्टर है, बाकी चारों सेक्शन में देखो कोई टॉपिक ऐसा तो नहीं है जिससे बार बार गलती हो रही है। मैंने तीन चीजें बोली, पहला आपको वो टॉपिक आता है तो छोड़ो, और दूसरा अगर आपको लगता है टॉपिक आता है पर बार बार गलती हो रही है उसको प्रैक्टिस कर लो, एक बारी में उठा के 40-50 क्वेश्चन कर लो, और तीसरा जो आपको लगता है मुझे कुछ नहीं आता तो यूट्यूब पे बहुत सेशन अपलोडेड है, मेरे भी होंगे और भी कई लोगों के होंगे, वहां से जा करके उसके रूल, उसके ट्रिक्स, उसकी टेक्निक्स एक बार रीड आउट कर लो। लास्ट में बात आती है मॉक टेस्ट की, तो यार देखो इस चीज को समझना कि सीमेंट ना, हमारे पास अच्छा खासा टाइम होता है सीमेंट के लिए, मतलब ऑल अबाउट कि आपसे बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाए वो मैटर करता है, ठीक है। तो अगर आप फुल लेंथ नहीं दे सकते, आप सेक्शनल मॉक टेस्ट दे दो, क्योंकि फुल लेंथ यार बहुत लंबा टेस्ट हो जाएगा, उसको एनालाइज करना बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। देखो मैं सिंपल बताऊं, अगर आपका सिलेबस पूरा तरीके से कंप्लीट है आप मॉक टेस्ट दो, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है ना, मतलब अभी भी कुछ टॉपिक रहता है, उन टॉपिक्स को कंप्लीट करने पे ध्यान दो, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग मेरे से एग्री ना करें इस पॉइंट पे, लेकिन सीमेट के मॉक टेस्ट मुझे ऐसा लगता है कि यार जैसे कैट होता है ना, तो कैट में प्रॉपर एक टाइम मैनेजमेंट हमें देखना है कि 40 मिनट एक सही तरीके से यूटिलाइज होने बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां टाइम प्रेशर बड़ा है, यू नो 40 मिनट में सारा कुछ करना मुश्किल होता है, तो कैट के तो रेगुलर मॉक टेस्ट देने बहुत जरूरी है। सीमेट में यार अच्छा खासा टाइम होता है, सीमेट इज ऑल अबाउट कि बस आप क्वेश्चन सॉल्व कर दो, टाइम तो मुद्दा है ही नहीं वहां पे, ठीक है। तो इसलिए आप अगर देने हैं तो सेक्शनल टेस्ट दे दो उसके, फुल लेंथ मॉक टेस्ट अगर आपका सिलेबस पूरी तरह कंप्लीट है परफेक्शन के साथ तो दो, अदरवाइज इतनी नीड नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट थे जिन पे मुझे आपसे बात करनी थी, बाकी कल से मेरे सेशन जो 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है वो वापस कंटिन्यू होगा, जिसपे हम लोग बातें करेंगे, ठीक है। और अभी राइट नाउ ज्यादा परेशानी होना, घबराना नहीं है, एक बात मेरी ध्यान से सुनना कि अगर आप
मोस्टली क्या होता है, एग्जाम डेट आने के बाद दो कैटेगरी, पहला जिसकी एग्जाम डेट आई और वो ये सोच करके अपने दिन खराब कर रहा है कि मैं पहले पढ़ लेता, मैक्सिमम चांस है, वो अपने चांसेस बढ़ा रहा है फेल होने के। और वहीं जो दूसरी कैटेगरी के, ठीक है भाई एग्जाम डेट ही तो आई है, अब ये 8 दिन है, उसका एक प्लान बनाया बैठ करके कैसे उसको यूटिलाइज करूंगा, और जो उसको यूटिलाइज करता है, मैं ये कह रहा हूं उसके क्लियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो डरा पड़ा है उसके फेल होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, और जो काम कर रहा है उसके पास होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो अब आप देख लो आपको कौन सी कैटेगरी में जाना है, ठीक है। चलो मिलते हैं बाकी कल क्लासेस में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट, एंड अपने ऊपर सर विश्वास रखो, ठीक है, और चीजों को कंप्लीट करने पे फोकस करो, ठीक है। चलो मिलते हैं सेशन में, बाय, लेट्स क्रैक इट। अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट।